इस दुनिया में कौन सी चीज ऐसी है जो पवित्र है, पवित्र है, पवित्र तम पवित्र है। बोलो गंगा की पवित्र है या चलो तुम बताओ। बोलो आत्मा, आत्मा पवित्र कौन सी चीज पवित्र 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 है। ईश्वर, ईश्वर जो है ईश्वर तो देखा नहीं तो ईश्वर कैसे पवित्र माना जाता है। हम तो ऊपर से चली आती है ना बात, हम पर प्रोजेक्ट किया गया है कि ईश्वर पवित्र है तो हमने ऐसे बनी बनाई सवाल का जवाब दे दिया। चलो हमें तो रोज सत्संग करते हैं कौन सी पवित्र चीज है परमात्मा या सब सत्य 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 किसे कहते हैं सत्य किसे कहते हैं मेरा मजा आया था ना। सत्य किसे कहते हैं तो हम ऐसे ही थे बस जिंदा जीवन हमारा पूरा कर देते जिंदा रहते और ऐसे अंतिम तक तो आजा लिए तो अभी थोड़े दिन पहले ही इधर बैठे बैठे हम जो लिखा पट्टी करते थे उस टाइम बात आई थी परमात्मा आत्मतत्व ये सब बात तो है लेकिन आत्मतत्व क्या चीज है वो तो हमें समझ नहीं मालूम है। हम साधन भजन क्यों करते चलो इसका जवाब है तो ज्ञान क्या चीज है ज्ञान क्यों प्राप्त करनी है ज्ञान क्यों प्राप्त करना है। इन्फॉर्मेशन वो तुम्हारी थी वो ज्ञान नहीं है। शुद्धिकरण अपनी आत्मा का आत्मा की शुद्धिकरण से ज्ञान प्राप्त करने के लिए शुद्धिकरण करते हैं। शुद्धिकरण हो हमारी आत्मा का इसलिए ज्ञान प्राप्ति से हाँ ज्ञान प्राप्ति के लिए हम साधन करते हैं इसलिए शुद्धिकरण होता है। तो पवित्र ज्ञान पवित्र ज्ञान क्या है इस जगत में तो ज्ञान है आत्मज्ञान है आत्मज्ञान आत्मा जीवात्मा बन जाती है तो गंदी हो जाती है मैली हो जाती है। पवित्रमा पवित्र चीज ज्ञान है। गीता में भी भगवान कृष्ण ने कहा है कि ज्ञानेन सदृशम इहं इहे लोके लोके न पवित्रम विद्यते। ज्ञान जैसी कोई पवित्र चीज आज जगत में है नहीं। पवित्र क्यों है पवित्र किसे कहते हैं सीता जी को धोबी ने बता दिया था कि रावण के घर रह गई है इसीलिए वो पवित्र हो गई है तो मैं तुझे नहीं अपनाऊंगा अपनी पत्नी को धोबी धोबी को बोल दूंगा रामचंद्र जी अपनाते हैं नहीं अपना इस पवित्रता की बात है नहीं नहीं है। तो ज्ञान कोई पवित्र क्यों कहा है इसे तो हम सुवर्ण को पवित्र बोलते हैं जल को पवित्र बोलते हैं अग्नि को पवित्र बोलते हैं बोलते हैं सबको पवित्र बोलते हैं लेकिन पवित्र में भी पवित्रतम चीज क्या है ज्ञान तो क्यों कहा जाता है पवित्र चीज गंगा को मैली कर देते हैं ना लोग सोचो तो सही सुवर्ण को भी गंदा कर देते हैं उसमें और धातु मिला देते हैं तो गंदा हो जाता है अपवित्र हो जाता है। पानी में भी हम अनाप शनाप मिला के बना देते हैं लेकिन ज्ञान जो जिसको आत्मज्ञान बोलते हैं सही ज्ञान ही ज्ञान बोला जाता है उसी को किसी की उपमा दी नहीं जाती है हम बोलते हैं आत्मज्ञान ज्ञान ही ज्ञान ही वो पवित्र है क्यों पवित्र है उसमें कोई स्पॉट नहीं लगता कलंक नहीं लगता कभी ही उसी में अपवित्रता आ ही नहीं सकती
वही ज्ञान को कोई जला नहीं सकता। एक दफा ज्ञान हो जाता है, असंभ्रक ज्ञान से की बोलते हैं, एक दफा ज्ञान हो जाता है, चाहे ये व्यक्ति का साधक का एक्सीडेंट हो जाए, हाथ कट जाए, पांव कट जाए, तो भी ज्ञान पवित्र नहीं होगा। ज्ञान की भूमिका भी नीचे नहीं उतरेगी। किसी की आंखें चली जाए तो क्या वो चला जाता है ज्ञान? नहीं, वो स्मृति है। इसलिए तो वशिष्ठ मुनि ने कहा रामचंद्र जी को, योग वशिष्ठ में यह एपिसोड आता है कि भी आप बोलते हैं जगत मिथ्या है, ज्ञान श्रेष्ठ है, तो मुझे तो मालूम है यहाँ बैठे बैठे कि आप गुरु एवं परम वो स्थान पर बैठे, मैं नीचे बैठा हूँ, मैं शिष्य के तौर पर मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ, तो आप बोलते हैं कि सब मिथ्या है, तो मैं कहाँ मिथ्या हूँ, तुम कहाँ मिथ्या है ना? सब हम सामने तो बैठे बातें करते हैं, तो मिथ्या कैसे है? लाख प्रयत्न करे तो भी मिथ्या में मानना चाहता ही नहीं। फिर वशिष्ठ मुनि ने कहा कि मैं आप में घुस जाता हूँ ज्ञान के स्वरूप। फिर वो संकल्प गया, वो खड़े हुए उसको ऐसा ऐसा कोई क्रिया बताई, ऐसी बात नहीं, संकल्प ही गया तो ज्ञान से ही संकल्प गया, आत्मज्ञान से जो अनुभूति के बीइंग ने की उसी का उसी से संकल्प अगर के रामचंद्र जी को ज्ञान की अनुभूति करा दे। फिर जगाया कई समय के बाद, फिर रामचंद्र जी ने कहा कितना अच्छा आनंद आता था, ये आनंद हमने कभी प्राप्त नहीं किया इस महल में रहते हुए भी, इतना आनंद ज्ञान का है तो मैं जगाया क्यों, अफसोस करने लगा। फिर वशिष्ठ मुनि ने कहा कि भी जो आपने अनुभूति की है वो कभी नहीं भूल पाओगे जिंदगी में, चाहे हजारों वर्ष राजा के तौर पर काम करो, हजारों रानियां भोग लो, इतना भोग भोग लो, फिर शरीर चला जाएगा, लेकिन जो स्मृति आत्मा की होंगे नहीं ज्ञान हो कभी, इसलिए ज्ञान कभी अपवित्र नहीं होता, कभी कलंकित नहीं होता, दूषित नहीं होता, वो जलता नहीं है, वो सुखता नहीं है। तो आत्मा न हन्यते हन्यमान ऐसे बताया ना, तो वही ज्ञान ही वही है। एक दफा ज्ञान की अनुभूति हो जाती है तो ये ज्ञान कभी नाश नहीं पाता। ज्ञान इतने सालों से तुम साधन भजन करते तो अंतःकरण की किताब खुलनी चाहिए ना, क्योंकि हम ध्यान करते वक्त क्या करते हैं, और चले जाते हैं। तो चलो आज का सेशन यहाँ पूरा हो गया। गुरु सद्गुरु भगवान की जय।